1 पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो ये जो वर्क है हिंदू स्वराज, ये एक बहुत ही फेमस बुक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ये राइट करी गई है, ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। ओके, इस टाइमिंग में राइट की गई है जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइमिंग में महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज नामक बुक राइट करी है। सेकेंड पॉइंट है, आपको राइट करना है, नो डाउन करना है, पब्लिश्ड इन 1909, 1909 में ये पब्लिक हुई थी। सो लेट्स नो अबाउट दिस समरी ऑफ हिंदू स्वराज। ओके, यू कैन से हेयर ऑन व्हाइट बोर्ड समरी ऑफ द हिंदू स्वराज। ओके, 1 पॉइंट इज हिंदू स्वराज और इंडियन होम रूल। इसमें 20 शॉर्ट चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, इसको आप हिंदू स्वराज भी बोल सकते हैं और इंडियन होम रूल। ओके, एंड इस वर्क में हिंदू स्वराज में टोटल 20 शॉर्ट चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा BNM इंग्लिश लिटरेचर। सो गाइस, इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक महात्मा गांधी हिंदू स्वराज। महात्मा गांधी का हिंदू स्वराज आज हम स्टडी करेंगे, इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके समरी को अंडरस्टैंड करेंगे, दैट इज गिवन इन योर सिलेबस। लास्ट वीडियो में हमने महात्मा गांधी को इंट्रोड्यूस किया था, आज के इस वीडियो में उनका जो वर्क है हिंदू स्वराज उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। यू कैन सी हेयर ऑन व्हाइट बोर्ड इन यूनिट फर्स्ट प्रोज महात्मा गांधी हिंदू स्वराज। ओके, दिस इज फॉर BA पार्ट 3rd year सेमेस्टर 6 स्टूडेंट्स। योर पेपर नेम इज इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ओके, सो यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, प्रोज दिया हुआ है यूनिट फर्स्ट में। फर्स्ट आपके ऑथर हैं महात्मा गांधी। ओके, तो इनको हमने इंट्रोड्यूस कर लिया ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आपको चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट में सर्च करना है BA पार्ट 3rd semester 6। तो यहाँ पे आपको अभी सीरियल से वीडियो मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये आप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी। एंड दिस इज़ फॉर ऑल यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी, एज यू ऑल नो सभी के लिए कॉमन सिलेबस है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे आप PBS में से हो, MGKVP, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, JCU, RMPLC, कहीं से भी हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। या अगर आप इंडिया के किसी अदर स्टेट से ये आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, आपके सिलेबस में महात्मा गांधी का हिंदू स्वराज लगा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। लेट्स कंटिन्यू टुडेज वीडियो। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज महात्मा गांधी हिंदू स्वराज में हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हिंदू स्वराज। ओके, तो ये जो वर्क है, ये वर्क जो राइट किया महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज, इसको हम इंट्रोडक्शन करेंगे। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर रखे हैं आपके टेक्स्ट बुक से, लिसन केयरफुली, यू विल अंडरस्टैंड ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, 1 पॉइंट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स रिटन ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, तो ये जो वर्क है हिंदू स्वराज, ये एक बहुत ही फेमस बुक है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ये राइट करी गई है, ये बुक है, काफ़ी फेमस बुक है। ओके, इस टाइमिंग में राइट की गई है जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस टाइमिंग में महात्मा गांधी ने हिंदू स्वराज नामक बुक राइट करी है। सेकेंड पॉइंट है, आपको राइट करना है, नोट डाउन करना है, पब्लिश्ड इन 1909, 1909 में ये पब्लिक हुई थी, ये जो बुक है ये पब्लिश्ड हुई थी 1909 में। ओके, महात्मा गांधी प्रेजेंटेड हिज आइडियाज ऑन हाउ इंडिया कैन एक्वायर ट्रू इंडिपेंडेंस। तो इस बुक में महात्मा गांधी ने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करा है कि किस तरह से इंडिया इंडिपेंडेंस को अक्वायर कर सकती है, जो ट्रू इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसको किस तरह से इंडिया अक्वायर कर सकती है, इस बुक में महात्मा गांधी ने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कराया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ही डिस्कस्ड 2 मेजर इशूज़, और इस बुक में इन्होंने 2 मेजर इशू के बारे में बात करी है। फर्स्ट वन ए क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन पोस्ट एग्रेसिवली बाई दी ब्रिटिश। तो पहला जो मेजर इशू है उन्होंने राइट करा है, एक क्रिटिसिज्म किया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है मॉडर्न सिविलाइजेशन को, पुस्ट एग्रेसिवली बाई दी ब्रिटिश। एंड सेकेंडली ए पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी। और सेकेंड उन्होंने बात करी है कि किस तरह से आइडियल सोसाइटी को क्रिएट किया जा सकता है। ओके, तो 2 मेजर इशू की बात करी इन्होंने हिंदू स्वराज में महात्मा गांधी ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हिंदू स्वराज वॉज टर्म सेडिटियस लिटरेचर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से, बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट बैन विद इन ए ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन 1910। ओके, तो ये हिंदू स्वराज है, ये जो आपकी बुक का नाम है, इसको टर्म किया गया है किस नेम से, सेडिशियस लिटरेचर। ओके, नो डाउन इट, सेडिटियस लिटरेचर बाय द कोलोनियल गवर्नमेंट बैंड विद इन ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन इन 1910, और इसको बैन कर दिया गया था, इस बुक को 1910 में पब्लिश हुई थी 1909 में, और इसको बैन कर दिया गया था एक इस साल के बाद में 1910 में। एंड नाउ लेट्स नो अबाउट द समरी ऑफ द हिंदू स्वराज। ओके, सो लेट्स नो अबाउट द समरी ऑफ हिंदू स्वराज। ओके,
you can see here on whiteboard, summary of the Hindi Swaraj. Okay, number one point is Hindi Swaraj or Indian Home Rule. इसमें 20 short chapters included हैं. इसको आप हिंदू स्वराज भी बोल सकते हैं और इंडियन होम रूल. ओके, एंड इस वर्क में हिंदू स्वराज में टोटल 20 शॉर्ट चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, रिटन इन अ डायलॉजिक फॉर्म बिटवीन रीडर एंड द एडिटर ऑफ ए जर्नल और न्यूज़पेपर. तो इसमें जो एडिटर हैं, सो एडिटर इज द गांधी. ओके, सो हियर एडिटर इज गांधी. तो ये डायलॉजिक फॉर्म में राइट किया गया है रीडर और एडिटर के बीच में. ओके, एंड कौन कौन से इसमें टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, लेट्स सी, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं. सो नंबर वन पॉइंट टॉपिक है मेलाइज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अभी मैंने आपको बताया पहले कि इसमें मॉडर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिसाइज्ड किया गया है. ओके, प्राइमरीली नोन फॉर इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्वराज ऑफ द हिंदू स्वराज. स्वराज एंड द मेथड टू अटेन, ये मेन कंसर्न है हिंदू स्वराज का. ओके, दैट इज मेन कंसर्न ऑफ हिंदू स्वराज. एंड थर्ड पॉइंट इज इंडियन नेशनहुड. सो इसमें इंडियन नेशनहुड की बात की गई है, दैट इज अनदर मेजर कॉन्सेप्ट. इन दिस ही आउट, दैट मीन्स गांधी आउट, दैट इंडियन पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशन मच बिफोर द ब्रिटिश केम. ओके, गांधी के अकॉर्डिंग कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे नहीं आए थे, उसके पहले ही इंडियन पीपल ने नेशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था. मीन्स जो ब्रिटिशर्स थे उनके अकॉर्डिंग इंडिया एक नेशन नहीं है, बट गांधी जी अर्ज्ड दैट इंडियन पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड ए नेशन मच बिफोर द ब्रिटिश केम. ओके, एंड गांधी लेस अ रियल फाउंडेशन ऑफ सेकुलर नेशनलिज्म. सेकुलर नेशनलिज्म क्या है ये आप जानते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इन हिंदी वी कैन से. And next point is vision of an alternative society. Okay, next is vision of an alternative society. He presented the broad contours of an alternative society. In this work, he defined this true civilization. इसमें उन्होंने true civilization को deal किया है और इसको define किया है as mode of conduct which points out to man the path of duty. Okay, तो ये हमने brief में understand कर लिया है समरी को. इसमें भी टू टॉपिक्स और भी हैं, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं. सो नंबर फाइव इज क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ हिंद स्वराज ए सेंटेनियल व्यू. ओके, सो इन न्यूमरेबल कमेंट्रीज एंड राइट्स अप्स ऑन हिंद स्वराज. तो बहुत सारे कमेंट्रीज और राइटिंग्स हिंद स्वराज पे राइट किए गए हैं, इन न्यूमरेबल कमेंट्रीज. पॉइंट है क्रिटिकल इवेल्युएशन, तो बहुत सारे कमेंट्रीज एंड राइटिंग्स हिंद स्वराज पे राइट किए गए हैं. सो फर्स्ट वन बाई W.J. Weiberg. He was member of the Transvaal legislature and a good friend of Gandhi. ये गांधी जी के अच्छे फ्रेंड भी थे और इस Transvaal legislature के मेंबर भी थे. W.J. Weiberg ये पॉइंट है. ओके, सो ही वॉज द नंबर वन. एंड सेकेंड जो कमेंट्री है बाय जवाहरलाल नेहरू. ओके, जवाहरलाल नेहरू यू आर फैमिलियर. He was one of his closest followers and his political hire. तो ये गांधी जी के एक closest follower भी थे और political hire भी थे उनके. ओके, तो ये टू मेजर कमेंट्रीज राइट करी गई हैं इनके थ्रू, ये टू राइटर्स के थ्रू हिंदू स्वराज पे. ओके, सो ब्रीफ में मैंने आपको अंडरस्टैंड करा दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक इज कंक्लूडिंग रिमार्क्स. ओके, ये लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है. सो हिंदू स्वराज, this became the source book of Gandhian ideas and this became the center of new intellectual quest. okay, to ye jo book hai Hindu Swaraj, that became the source book of Gandhian ideas. okay, and ye new intellectual quest ka center bhi isko consider kiya gaya hai. and this involves a very strong criticism of modern civilization totally rejected. as I told you earlier, abhi maine pehle aapko bataya hai ki is book mein modern civilization ko harshly क्रिटिसाइज किया है गांधी जी ने. ओके, और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आइडियाज़ हैं, जिनको आप स्टडी कर लीजिए अपने टेक्स्ट बुक से. सो आज के इस वीडियो में हमने शॉर्ट में, ब्रीफ में, हमने हिंदू स्वराज को इंट्रोड्यूस कर लिया है, उसकी समरी को अंडरस्टैंड किया. आई होप ये वीडियो आपके लिए स्टडी के लिए हेल्पफुल रही होगी. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एलिन शोहोल्डर को स्टडी करेंगे, दैट इज गिवन इन योर सिलेबस. उनका वर्क है लिटरेचर ऑफ वॉन. ओके, सो मेक श्योर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे. एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट्स ऑल्सो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल. गॉड ब्लेस यू.